प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवहाड आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अष्टांग योग के चौथे आयाम को प्राणायाम कहते हैं। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम दो शब्दों के योग से बना है, प्राण प्लस आयाम। पहला शब्द प्राण है, दूसरा आयाम। प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है या बल देता है। प्राणायाम के बारे में बहुत से ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा है, लेकिन सभी के भाव एक ही है। जैसे पतंजलि का प्राणायाम सूत्र एवं गीता में, जिसमें पतंजलि का प्राणायाम सूत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। योग क्रिया सदियों पुरानी परंपरा है जो अब तक चली आ रही है। योग क्रिया में सबसे बड़ी भूमिका श्वास की होती है। यौगिक क्रिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल श्वास का किया जाता है, जिसके न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी काफी लाभ है। प्राणायाम का सीधा सीधा मतलब होता है अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना। इसी कला को प्राणायाम कहते हैं। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति और श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते, तो उसके साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं। अब आपको लगेगा कि सिर्फ सांस खींचने से ऐसा कैसा होगा। हम जो सांस फेफड़ों में खींचते हैं, वो सिर्फ सांस नहीं रहती, उसमें सारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाये रहती है। मान लो जो सांस आपके पूरे शरीर को चलाना जानती है, वो आपके शरीर को दुरुस्त करने की भी ताकत रखती है। मित्रों, अब हम प्राणायाम के महत्व पर चर्चा करते हैं। प्राणायाम का योग में बहुत महत्व है। प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल जाता है, वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस विषय में अपना मत व्यक्त किया है। इस प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की समझ में यह प्राण का विषय पूरी तरह आ गया और वो उस पर विजय प्राप्त करने में भी सफल हो गया, तो फिर संसार की सारी शक्तियां उसके अधिकार में आ जाती है। उसकी आज्ञा से चंद्र सूर्य अपनी जगह से हिलने लगते हैं। छोटे से परमाणु से विशालकाय सूर्य तक सभी उसके वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्राण को जीत लिया है। प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का लक्ष्य है। प्राणायाम के कुछ प्रमुख प्रकार इस तरह हैं। 1. नाड़ी शोधन प्राणायाम, 2. शीतली प्राणायाम, 3. उज्जाय प्राणायाम, 4. कपालभाति प्राणायाम, 5. डिग्र प्राणायाम, 6. भस्त्रिका प्राणायाम, 7. बाह्य प्राणायाम, 8. भरामरी प्राणायाम, 9. उद्गित प्राणायाम, 10. अनुलोम विलोम प्राणायाम और 11. अग्निसार क्रिया। साथियों, अब हम प्राणायाम के लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं। प्राणायाम का अभ्यास तनाव, अस्थमा और हकलाने से संबंधित विकारों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। प्राणायाम से अवसाद का इलाज भी किया जा सकता है। प्राणायाम के अभ्यास से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाता है। अगर हमारी कोई नाड़ी रुकी हुई हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। प्राणायाम मन को स्पष्टता और शरीर को सेहत प्रदान करता है। शरीर, मन और आत्मा में प्राणायाम करने से तालमेल बनता है। मित्रों, इस तरह से हमने अष्टांग योग के चौथे आयाम प्राणायाम के बारे में जानकारी ली है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।